और आपका नाम भागीरथ कुशवाहा है और आप पुरानी छावनी रहते हैं भैया। आज आप हमें क्या बताने वाले हैं, किस चीज़ की खेती कर रहे हैं या फसल लगाई है उसके बारे में बताएंगे? जी आपको आज चुकंदर के बारे में बताते हैं। आप हमें चुकंदर के बारे में पूरी जानकारी देंगे? अच्छा भागीरथ भैया, आज आप चुकंदर लगाते हैं इसलिए तो उसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे हमें, कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं इसमें? आप इसे खेत तैयार करने के बाद इसमें बढ़िया क्यारी टाइप की बनाई जाती है, उनमें मेड़ टाइप की बना दी जाती है। अच्छा, और उन मेड़ों में हाथों से एक एक बीज लगाया जाता है। एक एक बीज लगाते हैं आप चुकंदर का खेतों में, जो क्यारी में जो मेड़े बनाते हैं? जी हाँ। तो भैया आप बताएंगे, जो आप एक एक बीज लगाते हैं कितनी दूरी पर लगाते हैं बीज? ये लगभग 4 इंच की दूरी पर लगाया जाता है। 4-5 इंच की दूरी पर बीज से बीज? और लाइन की लाइन दूरी क्या रखते हैं भैया? लाइन की दूरी कर 1 फुट की दूरी है। 1 फुट लाइन की दूरी, 4 से 5 इंच चुकंदर की बीज से बीज की दूरी। हाँ ये ऐसे मतलब एक दो बीज भी डालते जाते, मतलब कई जगह दो डालते कई जगह। हाँ एक दो बीज डालते जाते, जैसे एक मर जाते एक हुआ है। भैया आप हमें ये बताएंगे, जो आप बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद क्या पानी देते हैं? तुरंत पानी देते हैं? हाँ तुरंत पानी दिया जाता है। भैया ये आप पानी दे देते हैं तुरंत, 4-4 इंच की दूरी पर आप बीज डालते हैं, 1-1 फुट लाइन की दूरी है, उसके बाद आप तुरंत पानी दे देते हैं। भैया आप ये बताएंगे, जो आप पानी देते हैं उसके बाद अंकुरण जो होता है अपना पौधा बाहर निकलता है, वो तो कितने दिन में हो जाता है? लगभग अंकुरण होता है इसका पौधा निकलता है 10-12 दिन लगते हैं। 10-12 दिन में मतलब जो बाहर निकल आता है, 10-12 दिन में अपना जो बीज होता है वो अंकुरण फूल के बाहर निकल आता है, बाहर निकल आता है। भैया आप ये बताएंगे, आप जो चुकंदर करते हैं खेती करते हैं, इसकी आप निराई गुड़ाई करवाते होंगे? जी हाँ, खरपतवार होता है उसमें निराई गुड़ाई करवाते। तो कितनी बार करवाते हैं, कितने दिन के अंतर से करवाते हैं? फसल लगाने से ख़त्म होने तक लगभग 4-5 बार खरपतवार को निकालना पड़ता है। 4-5 बार मतलब भैया कितने दिन के अंतर से होती है निराई? मतलब ऐसे 8-8, 15-15 दिन के अंतर से। 8-8 भैया आप जो बीज लगाते हैं तो हमें बताएंगे, फिर एक बीघा में चुकंदर लगाने के लिए कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है? ये से एक बीघा में चुकंदर लगाने के लिए करीबन 2 किलो बीज लगता है। 2 किलो बीज? और 2 किलो बीज की आवश्यकता होती है हमें एक बीघा में लगाने के लिए। भैया हम बताएंगे, अपनी जो फसल होती है चुकंदर की, कितने दिन में अपने तैयार हो जाती है? लगभग 2 महीने में तैयार हो जाती है। 2 महीने हमारे चुकंदर की तैयार हो जाती है। और इसमें हमें कितना उत्पादन होता है ये तो पता है? इसमें मार्केट में जैसा इसका भाव अच्छा चल रहा हो तो लगभग 1 बीघे में आप 1-1.5 लाख रुपये की 1 लाख। अच्छा भैया आप हमें बताएंगे, इसका उत्पादन होता है जैसे चुकंदर का 1 बीघे में, बोला वो कितना क्विंटल होता होगा? लगभग वो होता है आपका 1 बीघे में 40-50 क्विंटल होता है, 40-50 क्विंटल के समथिंग होता है। अच्छा भैया आप इसमें हमें एक बात और बताएँ, चुकंदर की तलाब करते हैं इसमें कोई रोग वगैरह लगते हैं? रोग के लिए आप रोकथाम कहते हैं कैसे करते हैं? जिसमें रोग वगैरह इडली वगैरह लगती है जिसमें इडली की दवाई डालते हैं। इडली की मान लीजिए जो कोई भी दवाई आती है उसको भी दवाई का उपयोग कर सकते हैं? हाँ जो इडली की दवाई आती है उसको भी दवाई केवल इडली लगती है भैया? इडली लगती है और वैसे कीड़ा मच्छर वगैरह लगते हैं तो वो इडली की दवाई, वो उसी दवाई के प्रयोग से खत्म हो जाएगा। भैया आपने जो चुकंदर की खेती की है हमें बताएंगे, कहाँ की है, कैसे करते हैं सब बताएंगे? चलिए अपन चलते हैं आपकी चुकंदर की फसल देखते हैं। आपने लगाई आपकी फसल कितने दिन की हो गई चुकंदर की? अच्छा आपकी फसल 1 महीने की हो चुकी है, अभी कितना टाइम और लगा उसे पकने में? तो मतलब अपनी चुकंदर की फसल जो होती है लगभग 2 महीने में तैयार हो जाती है? 2 महीने में अपन उसे खोद के बेच सकते हैं आराम से। चार पाँच इंच है आपके पेड़ से पेड़ की दूरी है चुकंदर, और जो अपनी लाइन से लाइन की दूरी 1 फुट है। तो आपकी चुकंदर 1 महीने के करीब हो, कितना हो गया? 1 महीने के करीब। तो अभी कितने दिन में पक के तैयार हो जाएगा भैया? 1 महीने हो। 1 महीने और है, मतलब 2 महीने की फसल रहती है चुकंदर की। पकता है ये, मतलब इसे पटाकर ऐसे ही बेचा जाता है, जैसे उखाड़ के बेचा जाता है। देखिए आप, हमने ये चुकंदर लगाए, ये क्यारी बनाई है यहाँ से वहाँ तक लंबी, इसमें चुकंदर लगेगी। तो आपने जो हमें जो चुकंदर दिख रहा है अभी, हाँ। तो आपने चुकंदर लगाया है, क्यारी लगाई है जी हाँ। तो अपन ने जो क्यारी ऐसी क्यारी हर कोई बना सकता है उसमें चुकंदर लगाना, जिसे चुकंदर लगाना हो हाँ, जी हाँ बिल्कुल, इसी तरह चुकंदर लगा के ना वो क्यारी बना सकता है। ये क्यारी बनाई है, क्यारी में ये मेड़ा बनाई है, इस तरीके से लगाया जाता है। तो भैया आपने ये मेड़ों पर लगाया है, इसके कोई फायदा बताएंगे आप? मेड़ों पर क्यों लगाते हैं? मेड़ों पर इसलिए लगाया क्योंकि ये क्यारियों में निराई गुड़ाई जो खरपतवार होता है वो नष्ट करने में, उखाड़ने में कोई परेशानी नहीं है। एक तो खरपतवार नष्ट करने में आसानी होती है और दूसरा पानी भी आसानी से दे सकते हैं। अच्छा भागीरथ भैया, आपने आज जो चुकंदर की खेती की है लगाई है इसके बारे में जो जानकारी बता रहे हैं, इसके लाभ बताएंगे, इसके क्या लाभ है चुकंदर की खेती के? इसके लाभ यही है कि मतलब इसे मार्केट में लेकर बेचा जाता है, इससे मतलब सही समय पर इसका
अगला ये फसल तो इसके बहुत लाभ है, इससे आमदनी भी बहुत होती है, मतलब अच्छी भाव से बिकता है। अच्छा तो कितनी आमदनी हो सकती है लगभग इस सब में? लगभग इससे एक बीघे में लगभग एक लाख रुपए की आमदनी हो सकती है, सही हो गया। और फसल दो महीने की रहती है? दो महीने। इसमें फसल में लगत लगाने के लिए इसका बीज बहुत महंगा आता है, इसे मार्केट से लाने बीज मतलब 1000 रुपये किलो के हिसाब से बीज आता है। इसके लगाने पर इसका मतलब निकालने से मतलब अधिक लाभ होता है। बीज मतलब जो महंगा आता है उसे मतलब तरीके से लगाया जाए और इससे निकाला जाए तो इससे बीज से मतलब बढ़िया आमदनी होती है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं जितना महंगा बीज आता है उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन हो जाता है अगर हम चुकंदर के तरीके से करते हैं तरीके। अच्छा भागीरथ भैया, आप हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देंगे चुकंदर की खेती को लेकर? जी बिल्कुल जी, मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप ये फसल चुकंदर की फसल लगाएं, बिल्कुल लगाएं और ज़्यादा नहीं तो थोड़ी कम जगह में लगाएं और इससे मतलब जो आमदनी हो लगाएं और इसका लाभ। अच्छा भागीरथ भैया, आज आपने जो हमें खेती के बारे में चुकंदर की खेती के बारे में पूरी जानकारी दी, अपना काम रोक कर हमें बहुत पूरी जानकारी दी और आपने काफ़ी क्या कुछ हमें बताया चुकंदर की खेती के बारे में, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रुक जाओ।